वचन रे वरिष्ठ विचार ही करेंगे। 1990 मसीह एक जगत 30 वर्ष धरी बालेश्वर सदर विधानसभा क्षेत्र रे अनुकंग्रेस विधायक माने निर्वाचित होती। 2000 मसीह 9 वर्ष धरी राज्य बीजेपी बीजेपी सरकार राजनीति करते 11 वर्ष धरी बीजेपी ये जब भारतीय जनता पार्टी ने लेके आया तो बीजू जनता दल जिसका हर गली में 4% समर्थन किया। क्यों किया जरा सोचिए, अगर बीजेपी हमारे लिए होता, हमारे मुल्क के लिए होता, बालेश्वर का लोगों के लिए होता, मुसलमान भाइयों अगर गलत कह रही हूँ ना रोक देना, माफी मांग लूंगी। अगर सही बोल रहे हो तो मैं आप लोग सबको आवाज देने के लिए मेरे साथ मेरे आवाज में आप बालेश्वर जो स्वाभिमानी का माटी के लोग हैं वो बिकते नहीं है, वो बिकते नहीं है, उनको शिक्षा है, वो सचेतन है। मैं कहना चाहूंगी अगर बीजेपी के लोग कर चुके हैं, अगर काम के होते तो काम के बदले में वोट मांगते, सीना पीट के कहते कि हमने ये योजना लाई थी के वजह से वोट दो। कोई भी एक काम किया होगा ना तब भी वोट डाल देना, कोई भी एक काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में इस चुनाव के समय जितना पैसा हो सकता है बीजेडी और बीजेपी से जितना पैसा मिलता है सब ले लीजिए, क्योंकि नाला बनने के लिए पैसा आता उसने अपना जेब में भर रखा है, हमारे बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए जेब में भर रखा है, हमारे बुजुर्गों के लिए जो हॉस्पिटल खोलने के लिए, तो ऐसा पैसा बांट रहा है जैसे कि मुन्नी भाई का नाच में पैसा वो लोग फेंकते हैं ना। अगर विकास चाहते हैं, अगर आपका बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर आपका नाम आपका पहचान, अब इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए, ममता कुंडू को वोट दीजिए, हाथ चिन्ह में उसको मोहर लगाइए, उसको जिताइए और विधानसभा भेजिए, फिर देखना काम कैसे होता है। मैं हर जगह एमएलए का एमपी का, लेकिन इनको ना कोई सूझबूझ है ना इनका ऐसा नियत है, इसी के वजह से आज तक बालेश्वर का रास्ता नाला, अगर गलत नहीं कह रही हूँ तो आपको आवाज आना चाहिए।